इन लोगों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ा। लेकिन अब दोबारा से अगर आप देखें तो जो कम्बिनेशन बना है पाकिस्तान का, जितने सुपरस्टार्स एकदम से टीम में आए हैं, तो ये वैसी मुझे टीम बनती हुई नज़र आ रही जो परफॉर्मेंसेस 90s में आती थी। सो आई थिंक कि पाकिस्तान को एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराना चाहिए। शाहीन शाह 4400 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, उसमें क्या आपने उसके ऐसी टिप्स दी हैं कि वो चाहे वो भी मर जाए? देखिए उसकी एक तो एक दो वजह हैं। एक तो उसका वो टॉल होना, जो आई लेवल है उससे ऊपर से वो बॉल डिलीवर करता है। दूसरा उसका लेट स्विंग होता है, सो आई थिंक जो वाइड बॉल है उसमें आपके पास पहले एक दो ओवर में ही चांस होता है, जितनी फ्लैट पिचेज हैं तो फुल करता है, वो लेट स्विंग होता है, हिट और मिस वाली बॉलिंग है, तो यही बनती है जब आप स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं। जमान खान आपके कब से आया, तो उसको कैसे देखते हैं? उसको इन्होंने थोड़ा सा पता नहीं क्यों पीछे रखा है, क्योंकि अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, दो PSL खेल रहा है, उसके बाद जहाँ भी वो जा रहा है, अभी पाकिस्तान से भी जब खेला है उधर अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो वो मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर है। उसको मैं तो रेट करता हूँ, शाहीन, हारिस, जमान, इसके बाद ही बाकी आते हैं वाइड बॉल के हवाले से। कम्बिनेशन कैसे देखते हैं दोनों टीम का, इंडिया और पाकिस्तान, इसमें बेहतरीन? देखिए इंडिया में अगर आप देखें तो वो वाली जो एक न्यू एडिशंस उस तरह की बहुत अच्छी वाली नहीं आई। पाकिस्तान के पास अगर देखें जो भी लोग आ रहे हैं वो एक अच्छी ऑप्शंस हैं, बैलेंस साइड है, उसमें ऑप्शंस अच्छी हैं, ऑलराउंडर्स भी, स्पिन ऑलराउंडर्स की काफ़ी ऑप्शंस आ गई हैं, और जो बॉलिंग का फ़र्क है वो तो डेफिनेटली नज़र ही आता है। बैटिंग कम्बिनेशन दोनों टीमों का बड़ा ज़बरदस्त है। आगा सलमान अगर वनडे में देखे हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसामा मीर ने आके एक बड़ा डिफरेंस डाला है, शदाब है तो अच्छी, इमाद वसीम है, यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, ऐसे ये प्लेयर्स हैं कि ये 5-6-7 कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, आपको ओवर भी करके दे सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है, नवाज़ है, शादाब है, उसामा मीर है, इन तीन में से आप किन को समझते हैं कि प्लेइंग 11 में, जाहिर सी बात है तीन नहीं हो सकते, सूटेबल ऑप्शन इन तीनों में से कौन से हैं? देखिए जो T20 है उसमें इमाद डेफिनेटली उसको ऐप जाता है, बट ये जो उसामा है इसमें बहुत पोटेंशियल है। एक तो लेगी ऑलवेज यू नो हैंडी होता है, और दूसरा उसका एक्स्ट्रा बाउंस है, और उसकी बैटिंग को अगर ये थोड़ा सा फोकस करें तो ही टर्न इनटू बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव ऑलराउंडर। सर मुश्ताक ने तो सजेशन दी है कि उसामा में शदाब दोनों को खिलाया जाए पानी 11 में, एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में, तो खिला सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें आपकी ऑलवेज जो लेग स्पिन बॉलिंग है ये हमेशा से अटैकिंग ऑप्शन होती है, और दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली टीम को अगर फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर खिला सकते हैं। आप कभी पाकिस्तान ने इंडिया को हरा चुके हैं आप काफ़ी दफ़ा, तो अब प्रेशर इंडिया पे होगा या पाकिस्तान? देखिए जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच खेलते हैं ना, तो उसमें आपकी क्वालिटी से ज़्यादा आपके माइंड सेट का फ़र्क होता है, और आप पाकिस्तान जो है ना पॉजिटिव सोचता है। पहले तो 2 साल से पीछे जाएँ तो एक लॉक लगा हुआ था कि जैसे ही इंडिया आई तो पाकिस्तान ने हार नहीं हार, ये वो 90s में वो सोचते कि हम नहीं जीत सकते, तो ये माइंड सेट है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, छोटा छोटा फ़र्क जो टीमों में वो छुप जाता है, जो कॉन्फिडेंस और जो आप जितने काम रहते हैं ग्राउंड के अंदर वो टीम जीत जाती है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसको एज ज़रूर है। आखिर भाई ये सिक्योरिटी के बड़े इशूज़ आ रहे हैं, इंडियन एजेंसियों ने भी कह दिया है कि हमें सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, इस हवाले से कितना मेंटली उनको प्रिपेयर रखने के लिए क्या करना चाहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके सिक्योरिटी का बड़ा इशू आ रहा है? नहीं कोई नहीं आ रहा उसमें, इंडिया में कौन सा ऐसा इशू, और क्रिकेट को लेके सारे लोग जो हैं वहाँ भी अगर आप जाए ना तो जो आम जनता है वो क्रिकेट से और पाकिस्तानी प्लेयर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आप ऐसे ही सोचेंगे इंडिया की यह टीम आएगी तो उनको सेलिब्रेशन मिल नहीं करेंगे लोग, क्या उनको वेलकम नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। ये जो बंद है क्रिकेट, इसमें क्रिकेटर्स का या क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है, रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल की ये बातें हैं, इसमें ना तो कोई क्रिकेटर चाहता है कि हम एक दूसरे से लड़ें, ना क्रिकेट बोर्ड ही चाहता है, तो ये एक जो न्यूज़ है मेरी तो समझ से बाहर है कि वहाँ सिक्योरिटी का क्या रिस्क हो सकता है। आगे भाई ये सारे खिलाड़ी पहली दफ़ा इंडिया जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ का एक प्रेशर होगा कि इंडिया में जाकर खेल रहे हैं, लाइक इंडिया के अंदर ही पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑफकोर्स वहाँ पर तो नहीं है ना कोई भी? देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब आप जब इंडिया में जाएंगे और वो गुजरात में मैच होगा तो 1,20,000 लोग ग्राउंड के अंदर होंगे,
और ये मैच जैसे ही शुरू होता है तो आपको एक आधे घंटे में समझ आ जाती है किस तरफ गेम जा रही है। तो होम क्राउड में अगर आप अच्छा ना खेलो तो वो सारे के सारे आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए वो डिपेंड ये करता है कि आपका गेम किस तरफ जा रहा है, और एज प्लेयर आप सोचते क्या हो कि मुझे तो हमेशा आता था कोई मुश्किल मैच हो, क्राउड हो, तो उसमें से आपकी बैटरी और चार्ज हो जाती है, इंसान ज़्यादा इंजॉय करता है। थैंक यू सर, थैंक यू।